हाय स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स विल रिएक्ट फास्टर विद हाइड्रोजन अंडर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कंडीशन। चार ऑप्शन दिया, ये चार ऑप्शंस आपके पास हैं और हमें बताना है कौन सा एल्कीन जो है वो आपके पास फास्टर रिएक्ट करे। देखिए, आपको पता है अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें ना, रिएक्टिविटी क्या होता है, दिस इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा, रिएक्टिविटी क्या होगा, कम होगा, और स्टेबिलिटी कम है, रिएक्टिविटी क्या होगा, ज़्यादा। अब देखिए, एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अब हमारे पास क्वेश्चन आता है एल्कीन का स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे। देखो, एल्कीन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक कर सकते हैं, बाई चेकिंग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हैं उतने ही ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, और जितने ज़्यादा आपके पास हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर हैं उतने ही ज़्यादा आपके पास क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा आपके पास जो यहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। पॉइंट समझ आ रहा है? तो जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास है उतना ही ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास जो है यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, देखो अगर इसका मतलब एल्काइल ग्रुप ज़्यादा तो अल्फा हाइड्रोजन भी ज़्यादा होंगे। मान लो एल्काइल ग्रुप है आपके पास CH3, तो इसका मतलब इसके पास तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब मोर एल्काइल ग्रुप मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर एल्काइल ग्रुप मोर अल्फा हाइड्रोजन, मोर अल्फा हाइड्रोजन, दैट इज मोर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे क्या जाएगा, उतना ही ज़्यादा आपके पास क्या होगा, यहाँ पर स्टेबिलिटी होगा, तो दैट इज़ यू हैव अ मोर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या जाएगा, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा, यहाँ पे आप देखिएगा, दैट इज इट शुड बी आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आ जाएगा आर ग्रुप, यहाँ से आ जाएगा आर ग्रुप, फोर वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, फिर क्या जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आएगा आर ग्रुप, यहाँ पे आ जाएगा आर ग्रुप, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, थ्री वाला क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ गए मेरी बात, तीन वाला क्या होगा आपके पास, ज़्यादा स्टेबल होगा, समझ गए मेरी बात। ठीक है, तो तीन वाला जो है वो आपके पास ज़्यादा स्टेबल होगा। एक मिनट, आप देखिए, तो ये आ गया, अब हम बात करते हैं, अब आपके पास आते हैं दो वाले की बात करें, दो वाले में क्या होगा, अगर आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं, ये बनेगा आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर ग्रुप, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन, ठीक है, ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हमारे पास आएगा आर ग्रुप, यहाँ पे हमारे पास आएगा एच, यहाँ पे हमारे पास आएगा एच, ये इससे कम स्टेबल होगा। फिर एक वाला हमारे पास आएगा आर सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास आएगा हाइड्रोजन, यहाँ से हमारे पास आएगा हाइड्रोजन, फिर आ जाएगा हाइड्रोजन सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। अब डाउट क्या राइज होता है कि अगर हम इन दोनों को देखें, देखिए इसमें भी कितने अल्फा हाइड्रोजन, मान लो इसमें CH3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी कितने हैं, तीन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसका क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप जो है आपके पास जो है वो एक दूसरे के ज़्यादा क्लोज हैं, देखने से ये क्लोज लग रहे हैं क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम होगा, वैसे सब में बॉन्ड एंगल क्या है सेम, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिपल्शन क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा। सो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट, थैंक यू।